हरिओम आदेश 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 नहीं ओ गुड़ कालूराम गांव सुल्तानपुरा ग्राम पंचायत बड़ला तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 6350359076। ये मेरा पर्सनल नंबर। आश्रम का मोबाइल नंबर है 7229981599। सर्वप्रथम सभी मेरी माताओं बहनों को सबका मेरा प्रणाम स्वीकार होवे और आप सभी हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जिसमें काल भैरव को भूत बनाया जाता है, मतलब भूत भैरव बन जाता है वो इस मंत्र से और इस सिद्धि से और इस विधि और विधान से। भैरव को हम जैसे चाहे हम बना सकते हैं अपनी क्रिया के अनुसार, बाकी नहीं। बाकी तो वो पीछे से लात मारता जो नदी में पहुंचा देता है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे इस मंत्र से उसको बनाया जाता है और कैसे उसको अपना काम लिया जाता है, इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि अगर आप जैसे ऑनलाइन पे, आजकल मेरे पास इतने केस आते हैं यहाँ पे अखाड़े पर कि लोगों को माया निकालने के चक्कर में लोगों से लाखों रुपये लूट कर और उसको बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक और ऐसे ऐसे जानतेर इस समय इस संसार में हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि हमने माया के चक्कर में 2 लाख रुपए लेके भाग गया, 1 लाख रुपए लेके भाग गया। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों, प्यारे प्यारी माताओं बहनों भाइयों, आप कभी भी माया के चक्कर में पड़कर किसी को भी पैसा नहीं दें। ये माया निकालने वाले एक नंबर के चोर और ठगबाज होते हैं। ये तुम्हारे से पैसा भी ले जाएंगे और तुम्हारे को बर्बाद करके चल जाएंगे। एक बात आप ध्यान से सुनो मेरी, कान खोल के। कोई भी अगर लोभ लालच में आकर आपको कोई भी लोभ लालच दे देता है कि हम आपके घर पे माया है या आपके खेत पे माया है, हम निकाल देंगे, आप मेरे को 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, हम सामान लेकर आते हैं और फिर आपके माया निकालेंगे, तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों ऐसे झूठे झांसे में आकर किसी को भी पैसे नहीं दें, नहीं तो वो पैसा भी खा जाएगा और आपका काम भी नहीं करेगा। यह असंभव है। कहीं भी किसी भी पॉइंट या अंडरग्राउंड से सामान निकालना नामुमकिन है, ये बिल्कुल असंभव है। ये तभी संभव है जब वो खुद उसके सपने में आकर बोल देता है, तभी ये संभव है। बाकी आप किसी लुटेरे के चक्कर में, माया के चक्कर में झूठा दिलासा देकर आपसे वो पैसा लेकर माया निकालता है, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों इस बात और इस लुटेरों से हमेशा बचें और ऑनलाइन बाबा को कभी भी अकाउंट में पैसे मत डलाओ। आप ये ध्यान से सुनिए, अगर आप ये सतर्कता रखेंगे तो आपको कोई भी नहीं ठग पाएगा। फर्स्ट नंबर के माया के चक्कर में, अंडरग्राउंड धन के चक्कर में किसी को भी पैसे नहीं दे, ये असंभव है। ये तभी संभव है जब वो खुद आकर उस मालिक को बोल देता है, तब। बाकी असंभव है। लुटेरों के चक्कर में ना पड़े, किसी को भी पैसे नहीं दें। एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर वो आदमी माया निकालना जानता है तो उससे पैसे क्यों मांग रहा है? उस माया में से वो
वो जो माया निकलेगी उस माया से, माया में से ही वो आधा धन ले सकता है। तो पैसों की जरूरत उसको कहाँ पड़ रही है भाई, 1 लाख 2 लाख की जरूरत कहाँ पड़ रही है? सोचो समझो विचारो, किसी को भी माया के चक्कर में पैसे मत दो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस बात का ध्यान सुने आप। जय हो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इन लोगों से आप बचें। ऑनलाइन पे बाबाओं से हमेशा, ठगारों से और लुटेरों से हमेशा बच के रहिए। ये फोन ले जा रहे 100 बार तो इसका बंद किया गया, पुश कर दिया रहे। तो मेरे सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं गुरुओं गुरु भाइयों, आजकल इस समय में बहुत ठगारे लोग माया के चक्कर में लोगों को उलझा रहे हैं और वो पैसे लेके माँ जो भाग जाते हैं और फोन आपका उसका बंद कर देते हैं। बेचारा अभी मेरे पास 4-5 केस उदयपुर से आए थे। तो मेरे प्रिय प्रिय भक्तों, इन लुटेरों के चक्कर में ना पड़े। माया कभी निकलती नहीं, किसी के बाप का राज नहीं है जो उसकी माया को निकाल सकता है। बचिए और बचाएं। मैं YouTube पर मेरे से लोग इसलिए भड़कते हैं कि मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पे भड़क जाते हैं और मेरे खिलाफ वीडियो बना देते हैं। कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। रही बात, मेरे को YouTube पे आने का कभी भी शौक नहीं है और ना ही मेरे को गुरु ने YouTube बनाने के लिए बोला है। मैं इसलिए आता हूँ कि इस दुनिया में अभी वर्तमान में बहुत ठगारे हो चुके हैं, जो कोई माया के नाम पर पैसा लूट रहा है या कोई ऑनलाइन बाबा बनकर अकाउंट में पैसे डलवा रहा है। इसलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ। आप ऐसा मत समझना कि बाबा यूट्यूब पे कमाई कर रहा है, मेरे को कोई शौक नहीं है। गुरु कृपा से यहाँ पे बहुत भक्त आते हैं, बहुत भक्त, और हर की मनोकामना पूरी होती है और हमारा गुजारा भी चलता है। जय भैरुनाथ। जो भी हम मंत्र डालते हैं वो मंत्र आपको डायरेक्ट नहीं करने हैं, वो मंत्र गुरु के मार्गदर्शन पे ही करें, अन्यथा आपको खुद को हानि होगी 100%। इसलिए कृपा करके अगर आप जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये जानकारी के लिए डाल रहा हूँ, इसको करना है तो कहीं गुरु के मार्गदर्शन में जाके करिए, बाकी आप मत करिए। जय भैरुनाथ। अब मैं मंत्र बताता हूँ, भैरु को कैसे भूत के रूप में उसको हम बना सकते हैं और हम उसका कार्य करवा सकते हैं, वो ध्यान से सुनिए। पहले भैरु को बुला लेता हूँ मैं, फिर बात करता हूँ, ठीक है? अब आ गया भैरवा। मंत्र है, ओम काली कंकाली महाकाली के पुत कंकाली भैरव, हुक्मे हाजिर रहे, मेरा भेजा तुरंत करे, रक्षा करे। आन बांधु बान बांधु, चलते फिरते का उसान बांधु, दसो दिशा बांधु, नौ नाड़ी बहत्तर कोण बांधु, फूल में जाए फूल में भेजू, काठे जी पड़े थर थर कांपे, हल हल हले, गिर गिर पड़े उठ उठ भगे, बक बक करे, मेरा भेजा सवा घड़ी पहर, सवा दिन सवा मास सवा बरस का, बावला न करे तो माता काली की सैया पर पांव धरे, वचन जो चूके तो समुद्र सूखे, वाचा छोड़ कुवाचा करे, धोबी की नांद कुंड में पड़े, मेरा भेजा बावला न करे तो रुद्र के नेत्र से जवाला कड़े, सिर की जटा टूट भूमि पर पड़े, माता पार्वती के चोर पर चीट पड़े, चीर पड़े, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े, मेरा भेजा बावला न करे तो माता काली की सैया पर पांव धरे, वचन जो चूके तो समुद्र सुखे, वाचा छोट कुवाचा करे तो धोबी की नांद कुंड में पड़े। यह मंत्र, अगर इस मंत्र को आप कहीं भी गुरु के मार्गदर्शन पर करो और करेंगे तो आपकी हर मनोकामना भी पूरी करता है। लेकिन इसमें तामसिक पूजा चलती है, इसमें सात्विक पूजा नहीं चलती है। तो जय भैरुनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा मेरे प्यारे प्यारे माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों, ध्यान से सुनो भैया, ठगारों से बचिए, माया के चक्कर में किसी को पैसे मत दीजिए, ऑनलाइन बाबा को कभी भी अकाउंट में पैसे मत डलाइए। जय भैरुनाथ।